शिवराज सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर कांग्रेस ने जमकर निशाना साधा। कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा, शिवराज सरकार के 2 वर्ष में प्रदेश विकास की दृष्टि से आगे बढ़ने की बजाय हर दृष्टि से पीछे ही गया है। इन 2 सालों में किसी भी वर्ग का कोई भला नहीं हुआ, हर वर्ग परेशान हुआ। सिर्फ इवेंट आयोजन के नाम पर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम इन 2 वर्षों में जमकर हुआ है। बल्कि प्रदेश शर्मसार हुआ है, प्रदेश पीछे गया है। यदि बात करें तो 2 वर्षों के अंदर सबसे ज्यादा परेशान किसान हुआ है। किसान को न खाद बीज मिल पाया है, न उसको फसल बीमा का लाभ मिल पाया है, न उसको उसकी खराब फसलों का मुआवजा मिल पाया है। और तमाम दावे जो किसान की खेती को लाभ का धंधा बनाने को लेकर आय दोगुने को लेकर किए गए थे, सब धराशायी हुए। बात करें तो युवा सबसे ज्यादा परेशान हुआ है। युवा की बात करें तो रोजगार 1 लाख प्रतिमा देने के दावे किए गए थे, और इस 2 वर्ष के अंदर यदि बात करें तो हमने ग्वालियर और उज्जैन की हालत देखी कि 40 पदों के लिए किस प्रकार 20,000 उच्च शिक्षित जो युवा है वो नौकरी के लिए दर दर भटकते रहे, लाइनों में लगे रहे। यदि बात करें तो कोरोना का काल हमने देखा, शिवराज सरकार के 2 वर्ष में हजारों लाखों लोगों की मौत हुई कुप्रबंधन से, ऑक्सीजन इलाज बेड इलाज के अभाव में, वो हमने देखा। यदि बात करें तो महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित है, प्रतिदिन 23 महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं होती। कुपोषण की बात करें तो आंकड़ा 10,32,000 रूपये पहुंच गया है। यदि बात करें तो ओबीसी वर्ग आदिवासी वर्ग के साथ सबसे ज्यादा दमन की घटनाएं 2 वर्षों में हुई है। नेमावर की, खंडवा की, खरगोन की घटना हमने देखी। ओबीसी वर्ग को कमलनाथ सरकार ने उसके आरक्षण को बढ़ाकर 27% किया, लेकिन इन 2 वर्षों में आज भी शिवराज सरकार इस वर्ग को उसका लाभ नहीं दे पाई। यदि बात करें पीएम मोदी के परिवारवाद को लेकर दिए बयान पर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा, कोई सिर्फ परिवारवाद के दम पर राजनीति में आता है तो यह गलत है, लेकिन कोई नेता पुत्र यदि अपने बूते जनता के मुद्दे उठाता है, राजनीति करता है, तो वह अपराधी नहीं है। पीएम मोदी की मंशा सिर्फ परिवारवाद के दम पर राजनीति करने वालों के लिए है। से पालन देश के अंदर होता है, केवल प्रदेश के अंदर नहीं, सब जगह होता है। परिवारवाद को लेकर केवल परिवारवाद के आधार पर राजनीति में आ पाएंगे, ये नहीं हो सकता। लेकिन परिवार का कोई व्यक्ति अगर मेहनत करता है, लगातार जनता में उसकी अपनी स्वीकारता है, तो ऐसा नहीं कोई अपराधी है वो। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री की मंशा यह है कि परिवारवाद के तौर पर जो लोग आते हैं और जिस प्रकार से परिवारों को बाकी सब छोड़ देंगे, तो फिर कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन कैसे रहेंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री इस भूमिका में, इस देश के अंदर उन्होंने परिवारवाद पर अंकुश केवल कहा नहीं है, परिवारवाद पर अंकुश माननीय प्रधानमंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री का इस बात के लिए बहुत अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गोटेगांव में 12 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान का शुभारंभ माध्यमिक शाला किसानी गोटेगांव में नरसिंहपुर विधायक जालम सिंह पटेल के द्वारा किया गया। विकासखंड शिक्षा अधिकारी उमाशंकर छिरा के द्वारा मुख्य अतिथि नरसिंहपुर विधायक जालम सिंह पटेल, मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एसएस ध्रुवे एवं डॉक्टर एसएस ठाकुर का स्वागत फूलमाला से किया। इसके बाद पात्र बच्चों को टीकाकरण का रजिस्ट्रेशन आभा मेहरा के द्वारा किया गया तथा एएनएम मनीषा पटेल के द्वारा टीकाकरण किया गया। इस अवसर पर विधायक जालम सिंह पटेल ने कहा, टीकाकरण बच्चों का सुरक्षा कवच है, बच्चों को टीकाकरण का महत्व एवं उससे होने वाले लाभ को बताया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं में टीकाकरण को लेकर भारी उत्साह देखा गया। देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना की इस महामारी में उन्होंने सर्वप्रथम देश को बचाने के लिए एक तो देशी वैक्सीन बनवाई और प्रत्येक व्यक्ति को फ्री वैक्सीन देने का उन्होंने काम किया। और मैं समझता पहले जितने हमारे फ्रंटलाइन वर्कर उनको उन्होंने लगवाया, इसके बाद पूरे देश के जो एडल्ट हैं उनको लगाया, बीमार लोगों को लगाया, बूस्टर डोज भी लगा है। फिर हम 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगी और अब 12 से 14 से 15 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन का प्रारंभ हुआ है। मैं सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, यह देश स्वस्थ रहे। जबलपुर के गोरखपुर थाना अंतर्गत फिर एक बार दुष्कर्म का मामला सामने आया, जहां पुलिस ने FIR दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की है। क्या कारण था और
थाना गोरखपुर में एक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। इसमें समुचित धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपी फरार है, आरोपी की तलाश की जा रही है। शीघ्र ही हम आरोपी गिरफ्तारी कर लेंगे। अशोकनगर जिला के करीला में आयोजित 3 दिवसीय मेले का कमिश्नर ग्वालियर संभाग आशीष सक्सेना ने व्यवस्थाओं एवं तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने मंदिर परिसर में दर्शनार्थियों के लिए किए गए प्रबंध की सराहना की। भ्रमण के दौरान कलेक्टर आर उमा माहेश्वरी द्वारा मेला परिसर में की गई व्यवस्थाओं के संबंध में कमिश्नर आशीष सक्सेना को रूबरू कराया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। जबलपुर कृषि उपज मंडी विजयनगर में व्यापारी संघ द्वारा होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान समस्त व्यापारियों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर व्यापारी संघ ने कहा कि 2 वर्षों से कोरोना के चलते होली मिलन कार्यक्रम नहीं हो पा रहा था, पर आज ऐसा अवसर आया है कि होली मिलन कार्यक्रम के माध्यम से एक दूसरे की समस्याओं से अवगत होकर उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। आप सभी को व्यापारी संघ की तरफ से, सभी व्यापारी भाइयों को, सभी मीडिया प्रभारी भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ एवं जल दिवस के उपलक्ष्य में सभी स्वस्थ और सुखी रहें, ऐसी हमारी और हमारे मंडी परिवार की भावना है। आप सभी से निवेदन है, धन्यवाद। आप प्रशांत जैन, आदिनाथ पल से, जबलपुर। रतलाम जिले में वैक्सीनेशन का अगला पड़ाव शुरू हो गया है। वैक्सीनेशन का शुभारंभ उत्कृष्ट विद्यालय परिसर में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम व एसडीएम राजेश शुक्ला, सीएमएचओ प्रभाकर ननावरे, जिला शिक्षा अधिकारी ओपी शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष द्वारा किया गया। इसमें 12 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को टीके लगाए गए। वैक्सीनेशन के लिए जिले में 31 केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा गौशाला रोड स्थित आईएमए हॉल में भी बच्चे टीका लगवा सकते हैं। कितना भयावह यह रोग है, जो फैलता है तो इसका रूप अत्यंत ही खतरनाक रूप से फैलता है और बहुत तेज़ी से फैलता है। अस्पतालों में इसके लिए मरीजों के लिए भर्ती रहने के लिए जगह मिलना मुश्किल हो जाता है। तो मैं सभी बच्चों को आह्वान करता हूँ कि वो 12 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं, शत प्रतिशत। जबलपुर में शहीद दिवस के मौके पर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया एवं नमन किया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष जगत बहादुर अन्नू ने जानकारी देते हुए बताया कि आज के दिन शहीद भगत सिंह एवं राजगुरु को अंग्रेजी हुकूमत ने फांसी दी थी। आज हमने उनका बलिदान दिवस मनाकर युवा पीढ़ी को यह संदेश दिया है कि यह देश के वह रत्न है जिन्होंने अपनी देश के लिए जान की भी परवाह नहीं की और हंसते हंसते देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज शहीदी दिवस है। शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को आज अंग्रेजी हुकूमत ने फांसी दी थी। 24 वर्ष की उम्र में शहीद भगत सिंह जी ने अपने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर करते हुए खुशी खुशी फांसी पे चढ़े थे। एक ही लाइन कहूँगा, कांग्रेस पार्टी ने तो आज यहाँ पर माल्यार्पण किया, उनको याद किया। हम लोग रोज़ याद करते हैं और इस बात को हमारे मन में बसा हुआ कि राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभक्ति सर्वोपरि है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। जब भी ऐसे शहीदों की बात आती है तो हम सबके रोंगटे खड़े हो जाते। विकासखंड कन्नौज में 12 से 14 वर्ष के बच्चों को कोविड वैक्सीनेशन का शुभारंभ विधायक आशीष शर्मा द्वारा सतवास रोड माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 में किया गया। इस अवसर पर विधायक शर्मा द्वारा बच्चों को वैक्सीन लगाने हेतु प्रेरित करते हुए पुष्पहार से स्वागत किया तथा बच्चों को बिस्किट के पैकेट भी वितरित किए गए। साथ ही अभिभावकों से बच्चों को कोविड वैक्सीन लगवाने की अपील की। इस अवसर पर बीएमओ डॉक्टर लोकेश मीणा द्वारा बताया गया कि मार्च से विकासखंड कन्नौद में 12 से 14 तक के बच्चों को कोविड वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। अभियान के तहत 12 से 14 वर्ष के बच्चे 2008 एवं 9 में जन्मे समस्त बालक बालिकाएं कोविड वैक्सीनेशन के पात्र होंगे। कन्नौद विकासखंड में 12 से 14 साल के बच्चों के लिए 31 शासकीय स्कूलों में कोविड वैक्सीनेशन के सत्र आयोजित किए गए हैं। शुभारंभ के अवसर पर भाजपा नगर अध्यक्ष राजू वर्मा, लोकेश राठौर एवं बीसीएम विनोद भावर, एएनएम बबीता
ककौड़िया माध्यमिक स्कूल के शिक्षक आदि मौजूद थे। आज कन्नौज विकासखंड में 12 से 14 वर्षों के जो वर्ष के जो बालक बालिका है उनका कोविड वैक्सीनेशन आरंभ हो रहा है। इसके अंतर्गत कार्बीवैक्स वैक्सीन बच्चों को लगना है और 2008 और 2009 के वो सारे बच्चे इसके लिए पात्र होंगे, उनको कोविड वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। तथा 2010 के वो बच्चे जिनने 12 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं उनको कोविड वैक्सीनेशन किया जाएगा। तो मेरी सभी बच्चों के अभिभावकों से अपील है कि वो अपने बच्चों को कोविड वैक्सीनेशन आवश्यक रूप से करवाए ताकि इस महामारी से कोविड की इस महामारी से बचाव हो। शादी का झांसा देकर युवतियों महिलाओं को गुमराह करना आम बात हो गई है। ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं जिनमें आरोपी द्वारा शादी का झांसा देकर कैफे में ले जाकर दैहिक शोषण किया गया। ऐसा एक मामला जबलपुर के मदन महल थाने में सामने आया जहां एक शिकायत दर्ज कराई गई। इस शिकायत में फरियादी ने निक्की ठाकुर नामक व्यक्ति पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने की रिपोर्ट लिखी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के आला अफसरों का दावा है कि शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करने वाले निक्की ठाकुर को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। थाना मदन महल में एक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। इसमें एक अनाविदक है आरोपी निक्की ठाकुर के द्वारा फरियादिया को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया। इसकी रिपोर्ट फरियादिया द्वारा की जाने पर थाना मदन महल में आरोपी निक्की ठाकुर के विरुद्ध अपराध क्रमांक 125/22 धारा 376(2)(n), 376(2)(h), 506 IPC के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अभी आरोपी निक्की ठाकुर फरार है जिसको शीघ्र ही पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ ऑब्जर्वर में। नमस्कार।